आज खरसाङ महकुमा अधिकारी कार्यालय परिसरमा इलेक्टोरल भेरिफिकेसन कार्यक्रम सम्पन्न भयो। यस अवसरमा खरसाङ नगरपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षका साथै नगर पार्षदहरू पनि विशेष रूपले उपस्थित रहेका थिए। इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया उन्होंने इस साल इलेक्टर्स भेरिफिकेशन प्रोग्राम बोल के एक प्रोग्राम लाए हैं। इसमें क्या है, सभी जो इलेक्टर है, सभी जो निर्वाचक है, वो अपना जो डिटेल्स है, इलेक्टोरल डिटेल्स, वो चेक कर पाएंगे और उसको सुधर भी सकेंगे। इससे पहले क्या होता कि सरकारी तरफ से, मानी इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं, वो इलेक्टोरल रोल को मॉडिफिकेशन, वेरिफिकेशन, इंक्लूशन, ये काम करते, लेकिन सिटीजन्स का उतना भागीदारी नहीं रहते। सिटीजन्स डॉक्यूमेंट देते थे, लेकिन अभी सिटीजन के पास भी ये मौका है, ये चांस है, एक अपॉर्चुनिटी है कि अपने नाम इलेक्टोरल रोल में जाके चेक करने के बाद, जो अपने डिटेल्स है वो चेक करने के बाद, अगर सही है तो सबमिट करना है, और अगर सही नहीं है वो अपने जो डिटेल्स उसको करेक्शन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स देके वो करेक्शन करने के लिए खुद प्रयास कर सकते हैं। तो इलेक्टर्स वेरिफिकेशन प्रोग्राम का यही मेन मुद्दा है। देखिए, सबके पास जो एंड्रॉयड मोबाइल फोन होता है, कि लैपटॉप, की डेस्कटॉप होता है, उसमें आप जाके वोटर जो हेल्पलाइन है, वोटर हेल्पलाइन ऐप है, ये डाउनलोड करके आप ये खुद कर सकते हैं। और एक है नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल, इसमें भी NVSP, इसमें भी जाके आप खुद अपना नाम, अपने जो एपिक डिटेल्स है वो देके ढूंढ सकते हैं, और इलेक्टोरल टोटल जो रोल है वो चेक कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल अपने खुद कर सकते हैं, लेकिन इसमें इंडिविजुअल को हम लोग सभी तरीके के सहायता करेंगे। हमारा जो बूथ लेवल ऑफिसर है, सभी बूथ में एक बूथ लेवल ऑफिसर है, उनके पास BLO ऐप होंगे, और बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर भी इसमें सहायता देंगे। लेकिन ये हम कैंप मोड में भी करना चाहते हैं, क्योंकि पहले इसका ट्रेनिंग भी चाहिए, नया चीज है। तो हम लोग क्या किया, हमारा जो खरसियांग विधानसभा क्षेत्र है, इसमें चार ब्लॉक है, रंगली रंगलियट, खरसियांग ब्लॉक, मेरिक ब्लॉक और सोनादा पार्ट ऑफ सुखिया पोखरी ब्लॉक, और दो म्यूनिसिपल इलाका है, खरसियांग म्यूनिसिपैलिटी और मेरिक म्यूनिसिपैलिटी। ये लेके हमें टोटल 292 बूथ है। ये 292 जो बूथ है, इसमें जो इलेक्टर्स है, सभी इलेक्टर के लिए हम लोग EVP ये प्रोग्राम लिया है। हम लोग इस महीने से ये प्रोग्राम शुरू कर दिया। 16 से 27 तक सभी ग्राम पंचायत ऑफिस में, जो स्टाफ है, BLE है, GLS है, और हमारा जो ब्लॉक का जो ऑफिशियल्स है, एक्सटेंशन ऑफिसर है, उसी इलेक्शन है, BDO साहब है, ये सब मिलके इधर कैंप लगाएंगे। उसी कैंप में इलाका का जो जितना वोटर्स है, उनके लिए अलग अलग डेट करके उन लोगों ने वो जो मोबाइल ऐप है वोटर हेल्पलाइन में जाके, कि NVSP में जाके उनका डिटेल्स देखने के लिए उनको सहायता देंगे, और अगर कुछ उसमें करेक्शन करने का जरूरत है तो वो करेक्शन करने के लिए उनको मदद भी करेंगे। दूसरा जो म्यूनिसिपल इलाका है हमारा, खरसियांग म्यूनिसिपैलिटी इलाका, उसमें भी हम लोग वार्ड के हिसाब से एक शेड्यूल बनाया है। हर दिन दो जगह में कैंप लगा दिया जा रहा है, इसमें हर एक दिन दो तीन बूथ करके हम लोग कैंप मोड में सभी जो वोटर्स है उनको बुला के हम लोग ये कैंप मोड में करेक्शन करने के लिए, चेक करने के लिए उनको मदद करेंगे। और आज हम लोग सभी वर्गों का लोग लेके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है, इसमें हम लोग पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया, जो पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें हम म्यूनिसिपैलिटी का उनको काउंसिलर के साथ बुलाया, इसमें हम प्रेस एंड मीडिया पीपल को बुलाया है, इसमें हम सभी जो इधर का जो ऑफिस है, लोकल ऑफिस, उसका ऑफिस का कुछ ऑफिशियल्स को भी बुलाया है।
मेन मुद्दा है कि इसके थ्रू हम लोग किसी को अगर ट्रेनिंग दे पाएंगे तो ये जाके फिर इनका जो बेनिफिशियरीज है, इनके जो स्टेक होल्डर है, इनका जो कर्मचारी है, इनका जो इनके साथ जो मिलता है जनता, इनको भी वो हेल्प कर सकते हैं। तो ये जाके अपने अपने जगह पे जाके ये जो सीखा है, जो देखा है, उनको मतलब समझाएंगे। ईवीपी करेक्शन कर, ईवीपी करना है। ईवीपी करने के लिए दो तीन विषय है। एक तो है अपना डिटेल्स आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। कोई करेक्शन करने के लिए जो फॉर्म होता है फॉर्म 8, वो आप भर सकते हैं ऑनलाइन में। लेकिन आपका घर में अगर कोई अनएनरोल्ड इलेक्टर है, अनएनरोल्ड है, अभी तक नहीं उठा लेकिन 18 साल हो गया, उनका भी डिटेल देके आप फॉर्म 6 भर सकते हैं। कोई भी कारण से आपका फैमिली का कोई मेंबर, माने कि आपका जो पार्ट है, आपका जो बूथ है, उसमें आपका सीरियल के साथ जुड़ा नहीं है, दूसरे सीरियल में चला गया, एक साथ नहीं है, तो आप लिंकेज भी कर सकते हैं, लिंकिंग भी कर सकते हैं, इसका भी मौका आपके पास, टैगिंग जिसको कहते हैं, फैमिली टैगिंग, वो भी कर सकते हैं। तो इतना सारे सुविधा आपके पास है और आप इसी पोर्टल में जाके आप पूरा इलेक्ट्रल रोल वोटर लिस्ट को भी डाउनलोड करके देख सकते हैं।